राजधानी जयपुर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जहां एसीबी टीम ने श्रीगंगानगर जिले के जवाहर नगर थाने में तैनात एक पुलिस कांस्टेबल को 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए जयपुर के एक होटल में रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। रिश्वत की ये रकम एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में दवा कारोबारी को राहत देने की एवज में मांगी गई थी। जांच में सामने आया है कि इससे पहले भी परिवादी से 16 लाख रुपए की रिश्वत वसूली जा चुकी थी। रिश्वत के इस खेल में जवाहर नगर थाना प्रभारी राजेश कुमार सियाग के भी शामिल होने की जानकारी सामने आई है। एसीबी कार्रवाई की भनक लगने ही आरोपी थाना प्रभारी फरार हो गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश में कानपुर जिले के निवासी व्यापारी हरदीप सिंह ने 26 अक्टूबर को एसीबी जोधपुर चौकी में एक शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत में कहा गया था कि उसकी और उसके भतीजे पवन कुमार अरोड़ा की कानपुर में बिरहना रोड पर श्री गुरु तेग बहादुर फॉर्मा के नाम से दुकान है। श्रीगंगानगर जिले के सदर थाने में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के तहत एक मामले की जांच जवाहर नगर थाना प्रभारी राजेश कुमार सियाग के पास थी, जिसमें परिवादी हरदीप सिंह की फर्म की कोई भूमिका सामने नहीं आने के बाद भी थाना प्रभारी राजेश सियाग ने नोटिस दिया था, जिसके बाद बीती 18 सितंबर को आरोपी कांस्टेबल नरेश चंद मीना और एएसआई सोहनलाल कानपुर में उनकी दुकान पर पहुंचे, जहां दोनों ने एनडीपीएस मामले में गिरफ्तारी का डर दिखाते हुए 15 लाख रुपए वसूल लिए। बीती 25 सितंबर को दोबारा कांस्टेबल नरेश चंद मीना ने थाना प्रभारी राजेश सियाग के उनकी दवाओं की जानकारी से संतुष्ट नहीं होने की जानकारी देते हुए 25 लाख रुपए की रिश्वत मांगी और सौदा 10 लाख रुपए में तय किया, जिसके बाद परिवादी की सूचना पर एसीबी टीम ने टोंक रोड स्थित एक होटल में 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते कांस्टेबल नरेश चंद मीना को दबोच लिया। फिलहाल एसीबी अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं। राजस्थान की एसीबी द्वारा आज गंगानगर जिले के एक कांस्टेबल को जो जवाहर नगर थाने में तैनात है उसको 10 लाख रुपए की रिश्वत के साथ जयपुर के एक होटल में गिरफ्तार किया गया है। कानपुर का एक फार्मा व्यवसायी है जिसने जोधपुर के डीआईजी श्री विष्णुकांत डीआईजी एसीबी से संपर्क किया था कि उनको एनडीपीएस एक्ट के मुकदमे में फंसाने की धमकी दे करके, और उनके वहाँ कानपुर में गंगानगर पुलिस से कुछ पुलिसकर्मी आए थे, उन्होंने कुछ धनराशि ले ली, उसके बाद और उनसे संपर्क किया और पैसे देने के लिए कहा। तब उस फरियादी ने हमारे डीआईजी श्री विष्णुकांत से संपर्क किया, उन्होंने सत्यापन करने के बाद एक टीम जयपुर में भेजी जोधपुर से। कल शाम को जोधपुर से आई टीम ने, जिसके नेतृत्व श्री नरेंद्र सिंह एडिशनल एसपी कर रहे हैं, उन्होंने नरेश कुमार, कांस्टेबल नरेश कुमार मीना है जो जवाहर नगर थाने में तैनात है, उसको परिवादी से 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। उसको एनडीपीएस एक्ट के मुकदमे में बंद करने की धमकी दी गई थी। इसके पश्चात जब हमने और अनुसंधान किया और सत्यापन किया तो मालूम चला कि जवाहर नगर थाने के थानाधिकारी जो पुलिस इंस्पेक्टर हैं राजेश सिहाग, उन्होंने ये रिश्वत की राशि मंगवाई थी कांस्टेबल के जरिए। तो वहाँ पर भी एक टीम एसीबी की उनके घर पर और उनके ऑफिस पर भेजी गई, लेकिन तब तक उनको भनक लग गई और श्री राजेश सियाग पुलिस इंस्पेक्टर जवाहर नगर थाना जिला गंगानगर वहाँ से फरार हो गए। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे तफ्तीश की कार्रवाई हमारे एडीजी श्री एमएन दिनेश के नेतृत्व में की जा रही है। तो इसमें परिवादी से जब बातचीत की गई, परिवादी ने ये भी कहा कि पहले भी 15 लाख इसी कांस्टेबल द्वारा लिया गया है, और परिवादी का ये भी कहना है कि कानपुर और लखनऊ के भी कुछ और भी व्यापारी है जो इनके जानकार है, उनसे भी इसी केस में पैसा लिया गया है। तो अभी आगे हमारी जो एसीबी टीम है फाइल जब्त करेंगे और इसमें जो भी अनुसंधान में जिस तरह से भी एविडेंस है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कल SHO के घर झुंझुनू और गंगानगर दोनों जगह सर्च ली गई और सिपाही की भी सर्च ली गई है। इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स या कुछ मिले हैं उनके, उनको भी हमारा केस में क्या एविडेंस है इसके आधार पर हम आगे कार्रवाई करेंगे। इसके साथ ही आज मुख्यालय की एक हमारी इंटेलिजेंस ब्रांच ने एक सूचना को और आगे डेवलप करके, और श्री जगदीश नारायण मीणा है परिवहन निरीक्षक चोमू DTO ऑफिस में है, उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज करके और 3 जगहों पर अभी तलाशी चल रही है। श्री जगदीश नारायण पर करीब 2.5 करोड़ रुपए की संपत्ति अवैध रूप से भ्रष्ट आचरण करते हुए अर्जित करने का मुकदमा आय से अधिक संपत्ति का दर्ज किया गया है और उसमें तलाशी हो रही है। मैं आप सभी को यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि कोई भी
राज्य सरकार का या केंद्र सरकार का कोई भी कर्मचारी अधिकारी अगर आपसे रिश्वत की मांग करता है तो आप रिश्वत बिल्कुल ना दें और इस भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण बनाने के लिए देश के लिए अपनी सेवा जरूर इसमें दें। और हमारी एक हेल्पलाइन नंबर है 1064-1064, उस पर आप अपनी पूरी बात बता सकते हैं जिसमें गोपनीयता से आगे कार्रवाई की जाएगी और आपका जो वैध काम है, जो जेन्युइन काम है, उसको करने में भी आपकी मदद की जाएगी।